नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है आज एक ये किट और मैं आज इसी को दिखाऊंगा। और ये बहुत ही कमाल की किट है और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं और एक इसके अंदर कंपोनेंट स्विच वगैरह सब हैं। तो आज इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है इसको मैं खुला लेता हूँ और पूरी आपको जानकारी दूंगा। तो इस किट के अंदर सबसे पहले जो हमको मिला था, ये मिला था एक सोल्डर आयरन जो कि 25 वोल्ट का है, 25 वोल्ट का इस तरीके का सोल्डर आयरन है जो कि काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो उन्होंने एक ये सोल्डर आयरन दिया है और इसके अंदर हर एक चीज़ को आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद एक प्रोपेलर है, ये भी इसके अंदर नहीं फंसा हुआ था, ये अलग से, देखिए ये डिब्बा बड़ा है छोटा है और ये प्रोपेलर अलग से है। तो ये दो चीज़ इन्होंने अलग भेजी है लेकिन हैं, इसी किट के अंदर आती हैं, ये प्राइस इनके अंदर ही जुड़ी हुई है। इसके बाद इसको देखते हैं और इसके अंदर क्या है। यहाँ पर एक मिलती है मेरे को सोल्डिंग फ्लक्स सबसे पहले, उसके बाद मिलती है एक ये शोल्डर वायर है भारतीय कंपनी का 50 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने काफ़ी, देखिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसके बाद ये ब्लूटूथ मॉड्यूल इस तरीके का एम्पलीफायर बनाने के लिए। इसके बाद एक कैपेसिटर है 25 वोल्टेज 4700 UF का। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूँ कि इस किट को ख़रीदने के बाद आपको बाज़ार से कोई भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक के, कि इस सामान को ख़रीद लाऊँ। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि हर चीज़ एक अच्छी तरीके से बना के दी हुई है। तो यहाँ पे एक ये सोलर पैनल है, एक ये भी काफ़ी यूजफुल होता है फ्रेंड्स अपने प्रोजेक्ट बनाने वगैरह बनाने के। और ये काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि ये मैंने पहले ही खोल दिया था। और इसके अंदर हर एक चीज़ दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या मिलता है आप चौंक जाओगे जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। और यहाँ पे एक रिवर्सेबल टेप है जो कि काफ़ी यूजफुल है, एक छोटी वाली टेप मेडिकल टेप होती है जो पेपर टेप, ये मैंने खोल के देख ली पहले ही, तो ये एक मेडिकल टेप। उसके बाद एक प्रोपेलर है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 10 टाई हैं, ये मैंने गिन ली इनको, 10 टाई हैं ये बड़ी वाली, बड़ा साइज़ है इनका, इसी डिब्बे के अंदर आई हैं ये 10 टाई, ये 10 टाई है। मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद इन्होंने हीट सिंक ट्यूब दी हैं, हीट सिंक ट्यूब हैं ये 10 टाई हैं, और उसके बाद ये हीट सिंक ट्यूब हैं। एक एक ये जो है उन्होंने बताया कि आधा आधा मीटर है ये करीब, और 3-4 साइज़ की हैं, 3-4 कलर की हैं, आप देख सकते हो काफ़ी है। और ये काफ़ी यूज़ में आने वाली हैं अपने, इससे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे आने वाली वीडियो में। तो उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे एक 6283 का बोर्ड दिया है लेकिन इसके अंदर IC नहीं लगी हुई, इसकी जो IC है वो इसी के अंदर इन्होंने दी हुई है, आप इसको अपने हाथों से बना के कम्प्लीट कर लेना IC लगा के, एकदम न्यू बोर्ड है। उसके बाद एक और बोर्ड है यहाँ पे, ये 20-25 IC का है जो कि एम्पलीफायर होता है, और बिल्कुल न्यू ब्रांड बोर्ड दिया है इन्होंने, ये पूरा बना हुआ है, इसके अंदर आपको वायर लगाने और ये चालू हो जाएगा। इसके बाद एक बैटरी है 9 वोल्टेज की बैटरी, और एक कनेक्टर, दो बैंड स्विच हैं ये, इसको खोल के दिखा दूँ आपको। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, कोई सामान छूट जाए क्या फ़ायदा उससे। तो यहाँ पे ये दो बैंड स्विच हैं, काफ़ी अच्छे हैं, यूजफुल हैं, और SDPDT हैं ये, डबल पोल डबल थ्रो के लिए, तो बहुत अच्छे काम में आएंगे ये, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे ये मेरे लिए। और इसमें जो किट के अंदर जो ध्यान दिया गया है वो स्विच के टाइप पे ज़्यादा ध्यान दिया है, स्विच के, जो बच्चों को स्विच नहीं मिलते, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट और बच्चों को स्विच की। यहाँ पे ये 1 मीटर इन्होंने रेनबो वायर दी हुई है, 1 मीटर है ये, काट ली मैंने इससे पहले ही अपने ज़रूरत पड़ने पे। इसके बाद एक स्पीड कंट्रोलर दिया है, मोटर वगैरह या LED को भी कंट्रोल कर सकते हो इससे आप, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पे इन्होंने IC दी हुई है 44-40 की, एम्पलीफायर बनाने के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। और एक 6283 की IC है जो कि इस बोर्ड में लगेगी, इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद एक इन्होंने 20-30 की IC दी हुई है, यहाँ पे 20-30 आप देख सकते हो। उसके बाद दो पीस उन्होंने ये जो है DOB के दिए हैं, आप LED बल्ब वगैरह में रिपेयर कर सकते हो, लगा सकते हो। और ये 9 वोट की है शायद इनका, हाँ ये 9 वोट की है, आप देख सकते हो 9 वोट की दो पीस दिए हैं इन्होंने यहाँ पे DOB के, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी यूजफुल है, और इन्होंने हर बात का इनका ध्यान रखा है। इसके बाद एक छोटी वाटर पम्प है, ये आपको ऑनलाइन 200 रुपये की मिलती है लेकिन इन्होंने इसके अंदर ही लगा दी, काफ़ी चीप है, बिल्कुल न्यू इन्होंने भेजी है। और इसमें एक ख़ास बात है कि हर एक चीज़ को अलग बंच के अंदर इन्होंने पैक किया है जिससे कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरीके से इस पैकेट के अंदर जो पॉलीथीन होती है डाल के दिया है।
एकदम आपको बना हुआ मिलेगा जैसे ही आप ऑर्डर करोगे। इसके बाद एक मोटर है, काफ़ी हैवी है, इसके अंदर मोटर तो कह ही दी हुई है। तो ये जो मोटर है इसके अंदर देखिए काफ़ी हैवी मोटर है ये, और डबल सापट मोटर है। यहाँ पे ये थोड़ी गंदी हो रही है, और डबल सापट की ये मोटर है, डबल सापट मोटर है ये बोथ साइड, और काफ़ी हैवी है, 12 वोल्टेज की मोटर है ये, और मोटरों से काफ़ी बड़ी है। इसके बाद इन्होंने एक ये मोटर दी है 6 वोल्टेज की, एकदम न्यू ब्रांड है ये, 6 वोल्टेज की मोटर है एक ये। और इसका जो प्रोपेलर है वो इन्होंने बाहर ही दिया हुआ है, ये इसका प्रोपेलर है जिसके अंदर ये सेट होगी, आपको दिखा दूँ, ये इसकी मोटर है और ये प्रोपेलर है इसके अंदर। फिर इसके बाद हमको मिलती है एक पीसीबी बोर्ड, जो अपने सर्किट बोर्ड बनाने के काम में आएगी, पीसीबी होती है जो। और फिर इसके अंदर कंपोनेंट वगैरह हैं, स्विच हैं, पहले स्विच दिखा दूँ, ये दो स्विच हैं, और ये डबल साइड के लिए दो स्विच दिए हैं, हैवी वाले हैं, बड़े वाले, इनको भी दिखा दूँ आपको। आपको हर चीज़ एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पे ये स्विच हो गए, दो स्विच दिए हैं। इसके बाद कनेक्टर हैं, ये मेरे को काफ़ी पसंद आए, इन्होंने 5 पीस 2 पिन और 3 पीस 3 पिन के ये कनेक्टर दिए हैं, जो कि काफ़ी सारे हम जो सर्किट बोर्ड बनाते हैं या उस पर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें वायर कनेक्ट करने के काम में आएंगे ये कनेक्टर, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद इन्होंने कंपोनेंट भी दिए हुए हैं, कनेक्टर भी दिए हुए हैं। यहाँ पे दो स्विच और दिख गए मेरे को, ये स्विच हैं, ये प्रेस स्विच हैं ऑन ऑफ के लिए, आप इन्हें कहीं पे लगा सकते हो इस तरीके से। तो ये इसके दो पीस दिए हैं इन्होंने, और काफ़ी चीप पड़ गई मेरे को ये। आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं इसका जो नंबर है उनका मैं दे दूँगा, आप उनसे ख़रीद सकते हो। ये दो यहाँ पे रेगुलेटर दिए हुए 78.5 और 78.12 है, एक 78.5 है इसमें, एक 78.12 है, 5 वोल्टेज और 12 वोल्टेज के लिए। एक ये 8403 का मॉड्यूल है जो ऑनलाइन 150 रुपये का बेचा जा रहा है, मैंने इसको देखा है। तो ये इन्होंने 8403 का मॉड्यूल है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद इन्होंने 8 पिन और 14 पिन IC भेज दिए हैं, दो पीस। यहाँ पे हमको LED मिल जाएंगी, REGB LED है, 10 पीस इसके अंदर, कितने, 3 और 1 2 5, तो 5 पीस RGB LED है ये, RGB आप देख सकते हो, IC इसकी लगी हुई है, RGB LED है। और इसके अंदर और भी LED दी हुई है उन्होंने, देखिए ये वाली LED का जो बंच है ये ऑनलाइन बेचा जा रहा है 200 रुपये का, सेम यही बंच मैंने ऑनलाइन एक बार ख़रीदा था लेकिन इन्होंने फिर वही दे दिया। तो इसके अंदर 100 पीस LED हैं और 5 कलर की हैं, ब्लू, ग्रीन, ये रिंग ग्रीन, इधर ग्रीन है इसकी, ये रिंग ग्रीन, ब्लू और रेड और वाइट, तो 20-20 पीस प्रत्येक के हैं। तो इसके अंदर 100 पीस LED हैं, और भी LED इन्होंने दी हुई हैं मेरे को, उन्होंने बताया कि इसके अंदर काफ़ी सारी LED हैं, तो मैं इसको निकाल के दिखा दूँगा आपको, चलो मिल जाएंगी, आगे देखते हैं क्या क्या है। और इसके अंदर इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सारी रेजिस्टेंस दी हुई है, ये पॉपुलर रेजिस्टेंस हैं, जैसे जहाँ ज़्यादा यूज में आने वाली तरह तरह की, जैसे 2.2 ओम की हो गई, 22 ओम की हो गई, 1 किलो ओम की हो गई, इस तरीके से रेजिस्टेंस दी हुई है। इसके बाद डायोड हैं ये, 10 पीस डायोड के हैं ये, 54 ये 4007 के डायोड हैं, 4007 के डायोड है वो। इसके बाद इन्होंने दो काफ़ी छोटे छोटे स्लाइड स्विच दिए हैं, इसको हम काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट में यूज़ में ले सकते हैं, ये स्लाइड स्विच है आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे वाले, और मेरे को बहुत अच्छे लगे ये, प्यारे छोटे छोटे दो, ये मेरे यहाँ मिलते भी नहीं है, लोकल जो मार्केट है उसमें मिलता नहीं है ये, काफ़ी ढूंढा मैंने इस तरीके के स्विच, लेकिन उन्होंने इसका भी ध्यान रखा, दे दिए। इसके बाद इन्होंने 10 पीस ये प्री सेट दिए हैं अलग अलग वैल्यू के, 502 203 102 203, इस तरीके से 10 पीस ये प्री सेट हैं, आप देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये। इसके बाद यहाँ पे दो बने, एक पेयर बनाना क्लिप का दिया हुआ है वायर कनेक्ट करने के लिए, आप किसी में इससे वायर कनेक्ट कर सकते हो बनाना क्लिप लगा के, तो ये भी काफ़ी यूजफुल लगे मेरे को। टोटल बात ये है कि मेरे को ये बहुत पसंद आए। अब बात करते हैं कंपोनेंट की, तो इन्होंने यहाँ पे दो मॉसफेट दी हुई हैं, ये मॉसफेट हैं आपको दिखा दूँ दो, और इनका नंबर भी देखते हैं कौन सी हैं, ये IRF 540N नंबर की ये मॉसफेट हैं दो,
इसके बाद यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट हैं, ये BT-136 हैं, टेरिक दिए हुए हैं 5 पीस, यहाँ पे जेनर डायोड हैं, और ये दो टाइप के, दो वैल्यू के हैं जेनर डायोड, 3 वोल्टेज और नहीं 5 वोल्टेज का है ये, तो ये 5 वोल्टेज वाले हैं और ये 12 वोल्टेज के, तो दोनों के 10-10 पीस जेनर डायोड हैं, 20 पीस जेनर डायोड भेजे हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं ये। उसके बाद LDR हैं ये 10 पीस, ये काफ़ी प्रोजेक्ट बनाने के काम में आएंगे LDR अपने। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ट्रांजिस्टर हैं NPN, PNP, जैसे BT-134, BT-139, BT-140 तरीके के, दो इन्होंने टोन दिए हैं 100 के, दो टोन हैं इसके अंदर, किट के अंदर आपको दिखा दूँ। एक ये स्विच है इस तरीके का, और SPST स्विच है, यहाँ पर LED है वाइट कलर की, बटन LED और 8mm की LED, ये भी इसके अंदर है, आप इसको खरीद सकते हो। एक ये ब्रिज रेक्टिफायर दिया है इन्होंने, काफ़ी यूजफुल है ये, मेरे यहाँ नहीं मिलता, एक पीस है ये ब्रिज रेक्टिफायर, आप देख सकते हो AC to DC बनाने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने रेजिस्टेंस की 20 वैल्यू की रेजिस्टेंस है इसके अंदर, टोटल 20 वैल्यू की, हाफ वाट की है ये, क्वार्टर वाट नहीं है, हाफ वाट की 20 वैल्यू की, तीन रेजिस्टेंस हैं हर एक बंच के अंदर, तो 60 रेजिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, काफ़ी चीप रेट में पड़ गई थी ये मेरे को। इसके बाद आपको दिखा दूँ यहाँ पे और मेरे को रेनबो वायर मिल गया, एक हैवी है ये, तो हैवी वाला दिया था जो पहले दिखाया, अब यहाँ पे ये थोड़ा हल्का वाला दिया है जो हल्की चीज़ के काम में आएगा, और एक स्क्रू ड्राइवर दिया है छोटा वाला जो स्क्रू खोलने के काम आएगा। और इसके अंदर फिर दो LDR और मिल गए, शायद उन पे गलती से रख गए हैं ये दो LDR, और पहले 10 दिए थे। और यहाँ पे ड्रोन की 4 मोटर दी हुई हैं, यहाँ पे 4 मोटर हैं ये ड्रोन की विद प्रोपेलर, आप देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर दिए हैं इन्होंने, काफ़ी सारी वैल्यू के, ये देखो कितने सारे वैल्यू के कितने ट्रांजिस्टर हैं, जैसे VC547 है इसके अंदर, 2N2222 है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, और 10-15 का है, और 18 ये 3904 ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर मिल गया। इसके बाद एक ट्यूजर है, एक ट्यूजर इसके अंदर, ट्यूजर भी है, ये धीरे धीरे अपना बॉक्स खाली हो लिया। और इसके अंदर ये काफ़ी कनेक्टर वगैरह दिए हुए हैं, आपको दिखा दूँ इसके अंदर कौन कौन से कनेक्टर हैं, ये कितने सारे इन्होंने कनेक्टर और स्विच वगैरह दिए हुए हैं, मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए, ये मेरे यहाँ मिलते भी नहीं है, जैसे क्रोकोडाइल क्लिप हो गई एक पेयर, DC to DC, ये कितने सारे इन्होंने जैक दिए हैं ये, और ये DC सॉकेट है, ये प्रेस स्विच हैं इस तरीके से, यहाँ पे फीमेल एक टिकटॉक स्विच भी मिल गया, और छोटे वाले भी स्विच दिए हैं, और यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए USB पोर्ट है, USB जो होते हैं सी टाइप, उनसे चार्जिंग करने के लिए, यहाँ पे 2 पीस इन्होंने ये भी दिए हैं, और ये ऑडियो वीडियो सॉकेट है इसके अंदर, तो इसको तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कितने सारे दिए हुए हैं, ये तो मेरे शायद पूरी ज़िंदगी में मेरे पे यही खर्च हो पाएंगे। इसके बाद इसके अंदर और भी सामान बचा हुआ है थोड़ा सा, सबको खिला लेता हूँ। यहाँ पे एक LED स्ट्रिप दिया है इन्होंने वाइट कलर की, ये भी दिखा दूँगा आपको, इन्होंने इस पर टेप लगा दिया है जिससे कि इसकी जो है LED ख़राब ना हो, तो टेप लगा के दिया है काफ़ी अच्छी तरीके से पैकिंग करके, तो ये LED स्ट्रिप हो गई एक। और एक ये बैटरी है 4 वोल्टेज की, एक इन्होंने बैटरी भी दी हुई है 4 वोल्टेज की यहाँ पे, तो ये बैटरी हो गई। और कुछ और ट्रांजिस्टर हैं, जैसे ये दो BTIP 4142 दो ट्रांजिस्टर दिए हैं, तो ये इतना सारा सामान है इसके अंदर, आपको मैंने पूरा एक एक सामान दिखा दिया, आप देख सकते हो कितना सारा सामान है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर फ्रेंड्स ये सारा सामान आपको ख़रीदना है लॉकडाउन के बाद, तो मैं उनका नंबर दे दूँगा, और ये आपको ज़्यादा बहुत ही चीप रेट में मिल गया है, मेरे को आप कल्पना नहीं कर सकते इतने चीप रेट में इतना सारा सामान कैसे दे दिया, मैं खुद सोच रहा हूँ। तो मैं उनका जो नंबर है सेल करते हैं इसको, उनका नंबर दे दूँगा, आप उनसे डायरेक्ट बात करके इसको ख़रीद सकते हो, कोई वेबसाइट नहीं है फ़िलहाल उनकी। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।